ऐलान जंग देख रहे हैं आप। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम वाली जो तीसरी लिस्ट आनी है उसमें एक नाम उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का भी हो सकता है। बड़ी खबर ये आ रही है कि वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कांग्रेस की तरफ से अजय राय को एक बार फिर से चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। आप जानते हैं पहले भी अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और ऐसे में अभी तक देखिए उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में उत्तर प्रदेश को 17 सीटें आई हैं और ऐसे में इन 17 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जिस पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए हैं और इसी में एक वाराणसी की सीट भी है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अजय राय को कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेन्द्र से जो और नाम सामने निकल कर आ रहे हैं, उसमें सहारनपुर से इमरान मसूद का नाम भी है, और कौन कौन से नाम जिनको लेकर इस वक्त सुगबुगाहट तेज है जैनेन्द्र? बिल्कुल रोमाना, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं, 17 में से अमेठी और रायबरेली वीआईपी सीटें हैं, उन पर आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चा नहीं हुई। बची हुई जो 15 सीटें हैं उन 15 में से 8 सीटों पर उम्मीदवारों का नाम तय हो गया है। सबसे बड़े नाम अजय राय, यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, वो बनारस में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार, उनके नाम पर मुहर लग गई है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी, जहां से राज बब्बर के नाम का कयास लग रहा था, वहां से रामनाथ सिकरवार ये विधानसभा का चुनाव लड़े थे और अच्छी संख्या में इन्हें वोट मिली थी, हालांकि चुनाव जीत नहीं पाए थे। सिकरवार को फतेहपुर सीकरी से टिकट दिया गया है। बाराबंकी से तनुज पुनिया, पीएल पुनिया वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, उनके बेटे तनुज पुनिया को उम्मीदवार बनाया गया है। झांसी से प्रदीप जैन, पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो झांसी से चुनाव लड़ेंगे। अमरोहा से दानिश अली, पिछली बार बीएसपी के टिकट पर जीते थे लेकिन संसद के विशेष सत्र के दौरान जिस तरीके से छींटाकशी हुई उनके पर, बल्कि अपशब्द कहे गए उन्हें, और उसके बाद राहुल गांधी उनके घर पहुंचे, बीएसपी से निकाले गए, कल ही वो कांग्रेस में शामिल हुए हैं और आज उनके नाम पर मुहर लग गई है। सहारनपुर से इमरान मसूद, एक और चर्चित चेहरा, हालांकि पिछले दिनों वो कांग्रेस छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए थे, घर वापसी की, और अब इमरान मसूद सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बांस गांव से सदल प्रसाद को टिकट मिला है। सदल प्रसाद बीएसपी से कुछ ही दिन पहले कांग्रेस में आए हैं और वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार वो एसपी बीएसपी के ज्वाइंट कैंडिडेट थे, जीत नहीं पाए थे, इस बार कांग्रेस और एसपी के ज्वाइंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और देवरिया सीट से अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, टीवी का के जाने पहचाने चेहरे, वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो रोमाना, ये बड़ी खबर है आपका जैनेन्द्र, तमाम जानकारी के लिए। तो ये वो बड़े नाम है जो कांग्रेस की तीसरी लिस्ट जो अब से कुछ देर में आने वाली है उसमें आप देखेंगे सिलसिलेवार तरीके से। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।